I've fallen in love with iLove. They'll say, wow. इंसान पैदा होता है मासूमियत के साथ, मगर उम्र के साथ उसकी ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं और कुछ की अधूरी रह जाती हैं। जो अधूरी ख्वाहिश के साथ मर जाते हैं वही लोग प्रेतात्मा बनते हैं। ऐसी ही एक तड़पती आत्मा की एक कहानी है जो इस बंगले में रहती है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तुझे तो मुझे इससे मार देना चाहिए। मैंने क्या किया सर? आधा घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं तेरा। अरे आप आधा घंटा पहले आ गए तो मेरी क्या गलती है? पर बंगलो देखते ही आपका सारा गुस्सा उड़ जाएगा। चलिए आइए सर। इस बंगलो को रहने के पर्पज से ले रहे या बिजनेस के पर्पज से? इसी में फार्म हाउस बनाऊंगा। ऑल ब्रांड्स ऑफ एल्कोहल, ऑल एजेस ऑफ गर्ल्स, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। आइए सर। डोरबेल है सर। कोई कुत्ते के भौंकने की आवाज को डोरबेल की आवाज बनाता है क्या? वैरायटी सर। हाँ, बेवकूफ बनाने की। क्या सर इतनी देर कर दी? बाहर से डोरबेल बजा के बिना दरवाजा खोले तुम अंदर कैसे चले गए? मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आई डोंट लाइक इट। डोंट जोक सर, एक घंटे से मैं अंदर आपका इंतजार कर रहा हूँ। आइए। ऐसा घर आपने कहीं नहीं देखा होगा। चाइना मार्बल्स, मलेशिया सोफा, मेक इन इंडिया लाइट्स, ये बंगलो स्वर्ग की तरह है। अच्छी तरह से देख लीजिए। ये अचानक कैसे गायब हो जाता है? ये कोई जादूगर है क्या? अरे तुम कहाँ चले गए? अरे दरवाजा बंद करके बाहर क्यों चले गए? तू तो कह रहा था ये स्वर्ग की तरह, ये तो भूत बंगला लग रहा है। अरे कहाँ है तू? बोल ना। अरे मुझे घर दिखाने लाया था, तू ये क्या कर रहा मेरे साथ? अरे कहाँ है? दरवाजा मिल गया, चलो यहाँ से निकलते हैं। अरे तो दीवार है यार। हेलो सर। अबे तू कितनी एंट्री लेगा, मार दूंगा तुझे मैं। अरे नाराज मत होइए सर, ट्रैफिक ज्यादा थी। अब मैं आ गया हूँ ना, बंगलो देखकर एकदम थ्रिल फील करेंगे। मैं बताता हूँ थ्रिल, मैं किस थ्रिल से गुजर गया हूँ तुझे पता? चल मेरे साथ चल, मैं तुझे थ्रिल दिखाता हूँ। क्या हुआ सर? अरे अंदर भूत है। अरे तेरे चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ने वाला। ऊपर वाला मुझे जिंदा कर पहुँचा दे।
भाई आपकी बहन भागी ये सोचकर परेशान मत होना, पिताजी का ख्याल रखना, मैं चलता हूं। ए मैंने जो कहा वो याद है ना, फर्स्ट सॉन्ग बहन की आएगी बारात, भाई को खुशी होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। 1 2 ए मेरी बहन मंडप से भाग गई है और तू यहां आके गाना बजा रहा है। क्या सर, आपकी छोटी बहन भाग गई क्या? उसके लिए भी हमारे पास गाना है सर। हाँ? लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाए। ये कैसे बेवकूफ लोग हैं? अरे पिताजी गिर गए। आपके पिताजी को उठाने के लिए भी मेरे भाई के पास गाना है। उज्जा 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 मेरे राजा। अरे ये सब इतना जोर से बजा दादाजी, बंद कर बाजा दादाजी, बंद करो यार, बंद करो, क्या कर रहे हो? इतने जोर से बजा रहे लगता है इसीलिए मर गए पिताजी। मर गया। अरे चलो भागो। ए जल्दी चलो, जल्दी चलो, रुक, लगता है अब तो छोड़ने वाले नहीं है, हम तो मर गए। जल्दी कर, भागो भागो। अरे भाई कहां देख रहे हो, जल्दी चलो। आज अपने हाथों से इसका बैंड बजाऊंगा। क्या हुआ भाई, क्यों रुके? बाद में मारना, पहले भागो, पीछे यमदूत आ रहा है। ए, जल्दी भागा। अरे भागा भागा और तेज भागा। अरे बाप रे, गाड़ी कुदा के मार डालोगे क्या? इधर गया, आगे चल, उधर ही गए होंगे, इधर ही गया होगा। हाँ, चलो चल चल। लड़की के चक्कर में हमारी जान लेगा। सुनो बच्चों, जो व्यक्ति पुण्य नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है, और जो पुण्य के काम करता है उसका जीवन सफल है। थोड़ा समझ में ऐसे बताओ। पुण्य पुण्यस्त पुण्यः, पुण्य 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 है। ओ, फैंटास्टिक। फिर भी कुछ समझ नहीं आया। लगता है ये मंत्र इन्होंने खुद ही लिखा होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोगों को समझ में आए ऐसे बताती हूँ। बाइक चलानी हो तो पेट्रोल की जरूरत होती है, एसी चलाना हो तो बिजली की जरूरत होती है, वैसे ही अगर तुम्हारी जिंदगी अच्छी बनानी हो तो पुण्य की जरूरत होती है। कितना अच्छा बोल रही है। पुण्य के काम करने से भगवान खुश होके पैसे जॉब तुम्हें सब कुछ दे देते हैं। पति भी। बेचारी लड़की पागल हो गई है भाई, पुण्य कमाने के पीछे पागल हो गई है। मुझे ये पुण्यवती बहुत पसंद आ गई। ए, मेरे साथ आओ। मैं बच्चों को लेकर घर जाती हूँ, तुम सामान लेने के लिए मार्केट चली जाओ। ठीक है चलो। अब तुम लड़की के पीछे पागल हो गए। हेलो पुण्यवती जी, पुण्यवती जी सुनिए ना। मेरा नाम इंदुमती है, पुण्यवती नहीं। पुण्यवती हो या मंद बुद्धि, मैं तो मंद हो ही चुका हूँ ना। क्या कहा, मंद बुद्धि? इसको तो मैं वैसे
आप रोज मंदिर में आती हैं क्या? मैं रोज इस मंदिर में नहीं आती। सोमवार शिव जी के मंदिर, मंगलवार माता जी के मंदिर, बुधवार गणपति जी के मंदिर, गुरुवार साईं बाबा जी के, शुक्रवार मस्जिद, शनिवार बालाजी के मंदिर। तो संडे चर्च जाती होंगी ना? हाँ जी। सर्वधर्म संभव। भाई हाँ? इस लड़की से शादी करोगे तो पागल हो जाओगे। जय भवानी, शंभो शंकर, शरणमई अप्पा, ओम साई राम, अल्लाह अकबर, बोलो अम्बे माता की। आमीन। समझ गया ना? अच्छा है। वैसे आप मंदिरों में पूजा के अलावा और क्या क्या कराती हैं? योगा। जय रामदेव बाबा। चुप। I like it. मंदिर में प्रवचन और घर में आसन। इस लड़की से शादी करोगे तो योगाश्रम चलाना पड़ेगा भाई। हे बाबा, हे बाबा, हे बाबा का योगा। अबे चुप कर, चुप। अगर हम हर रोज योगा करेंगे तो सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। अमेजिंग। बेटी को पुण्य का और माँ को योगा का पागलपन है। अगर तूने इसे शादी की तो तू भी पागल हो जाएगा। मैं तो पागल बनने के लिए तैयार हूँ। मम्मी, ये मेरा बॉल लेकर मुझे ही मार रहा है। चिंटू, शैतानी मत करो, अच्छे से खेलो। चलो जाओ। ये बॉल मेरा है। रुक 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 जाओ। अबे लड़की समझ के दो बच्चों की माँ से प्यार कर बैठा। आपकी बेटी बिन ब्याही इतने बच्चों की माँ बन गई, ये कितनी सौभाग्यशाली है। ये तो इसका नसीब है। इतने बच्चों की माँ बन गया और नसीब की बात करती है। इतने सारे अनाथ बच्चों को तुमने सहारा दिया, सच में तुम्हें एक अच्छा पति मिलेगा। अनाथ बच्चे? यार हम लोग तो बेकार में टेंशन ले रहे थे, सच में ये पुण्यवती ही है। वाह वाह, क्या आसन है, क्या आसान है। अरे आप लोग यहाँ आपके चक्कर में क्या? अरे चुप। वो क्या है ना, हम जैसे ना समझ लोग योगा सीखकर योगी बनना चाहते हैं। गुड, वहाँ बैठकर पद्मासन कीजिए। ठीक है, बैठते हैं। तो क्या पद्मा को भी बुलाएंगी? किस लिए? पद्मा के साथ आसन करने के लिए। और क्या? पद्मासन का मतलब पद्मा के साथ करना नहीं होता, उसकी तरह करते हैं। ये छोटे बच्चों वाला आसन हम क्यों करेंगे, हमें तो बड़े बड़े आसन करने हैं। बिल्कुल सही है, ये आसन अपने लायक है। अरे कमीने, क्या कर रहा था? रुको, ये आसन नहीं है क्या? आसन है, लेकिन कोई ऐसे आसन करता है? अभी बताकर क्या फायदा? भैया कोई आसन है तो बताइए। हाँ तो सुनो ना, जोर से सांस लेके अंदर भर लो, उसके बाद और फिर धीरे से उसे छोड़ दो। अच्छा, इतना ही करना है? थैंक यू। बच गया। अबे आसन सिखाने के लिए बोला था, बॉम्ब से उड़ाने के लिए नहीं बोला था। साइलेंस, सब हवा का झोंका है, बस सूंघते चले जाओ। बैठिए। पद्मासन करने के लिए इस पैर को ऐसे रखिए और इस पैर को ऐसे, हाथों को ऐसे रखना है। इसे कहते हैं पद्मासन। ऐसे बैठने के बाद आंखें बंद करके आराम से सांस लेनी है और छोड़नी है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब ज्यादा फील ना करें अंकल। क्या हुआ, आप मेरी मम्मी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं पटा नहीं रहा हूँ, लव कर रहा हूँ। मेरी मम्मी आपसे प्यार नहीं करेगी अंकल। अरे जरूर करेगी, अगर तुम मुझे अंकल की जगह पापा कहकर बुलाओ तो। वैसे कल तुम्हारी मम्मी का क्या प्रोग्राम है? हम लोग स्कूल जाएंगे, मम्मी दुर्गा मंदिर जाएगी। मंदिर में? हेलो, या ये कौन है रोड के बीचों बीच? या हेलो याया वाले। या पुण्यवती जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माता जी के मंदिर में आया हूँ। यहाँ आंध्रा बैंक है, कोई माता जी का मंदिर नहीं है। है ना, इंदुमती माता जी का मंदिर। क्या इंदुमती के नाम से माता जी का मंदिर भी है? कहाँ है वो? मेरे सामने ही तो है। आई लव यू। पुण्य पुण्य कहती रहती हूँ तो आप मुझे पागल मत समझिए। मेरे पीछे घूमकर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
पुण्यवती, अच्छे लोगों को हाँ बोलना पुण्य का ही काम होता है। तुझसे इंदुमती प्यार है ना, अब तेरे बिना दिल ये लगना। हाँ तुझसे इंदुमती प्यार है ना, अब तेरे बिना दिल ये लगना। तेरी ही बात करो, तेरा ही ख्याल रहे, तेरे ही ख्वाब देख मेरे ये नैना। से मांगू रे मैं तुझको, प्यार करता हूँ तुझसे, कह दूंगा सबसे, बन गई है तू मेरी, अब तो जान जा। तू मुस्कुरा दे, हाँ दिल को मेरे तू जरा बहला दे। अब तेरे बिन कुछ नहीं जचता, दिल तेरे नाम की माला जपता। तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा वहां, मेरी जान तू अब जाएगी जहां भी रे। ओ मान जाना इंदुमती, इंदुमती, इंदुमती। भक्ति में मेरा दीवानी, गोविंदा गोविंदा, ऐसे ही बन जा तू मेरी ओ रानी। जय हो, मैं तेरे प्यार में हुआ दीवाना, मेरी धड़कनों ने है तुझको चुना। तेरा होके रहना है मेरी जान मुझे, देवी की तरह तेरी पूजा करूंगा मैं रे। रे कह देना, कह देना, कह देना, कह देना, कह देना इंदुमती प्यार है ना, अब तेरे बिना दिल ये लगना। तेरी ही बात करो, तेरा ही ख्याल रहे, तेरे ही ख्वाब देख मेरे ये नैना। स्टॉप। क्यों? आपको नो एंट्री है। वाई? क्यों? काई को? तुम चाहे जितना भी पीछे पड़ो, मैं हाँ नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो पैरों में गिर जाएगा। ठीक है, कुएं में भी गिर जाओगे ना तो भी प्यार नहीं करूंगी। मेरे आगे पीछे घूमने से अच्छा है कि तुम मंदिरों में जाकर घूमो, कम से कम पुण्य तो कमाओगे। ये और इसका पुण्य? नहीं जी, मैं तो आप ही के चक्कर लगाना चाहता हूँ। एक बार पुलिस कंप्लेंट कर दी ना मैंने, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। हे मोटू, इधर अपनों की कोई कंप्लेंट करता है क्या? कौन अपने लोग? मैं तुम्हारी लवर हूँ या तुम्हारी बीवी हूँ? अब बीच में ये संतूर का ऐड कहाँ से आ गया? बच्ची कैसी है अब डॉक्टर? उसकी हालत ठीक नहीं है। बच्ची के हार्ट में एक छोटा सा होल है, ऑपरेशन करना जरूरी है। ऑपरेशन? खर्च कितना आएगा डॉक्टर? ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 लाख तक। इतने छोटे होल के लिए इतने पैसे? किसी की जान के आगे पैसा तो बड़ा नहीं हो सकता है ना। रोने से बच्ची नहीं बचेगी, 3 लाख खर्च करने से बचेगी। ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। हम कितना भी बैंड बजा लें, उतना पैसा थोड़ी जमा कर पाएंगे। हमसे नहीं होगा यार, इतना पैसा हम नहीं कमा सकते। कर सकते हैं, हमें बस कर्ज देने वाला मिलना चाहिए। कौन होगा वो? ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम गुंडाय नमः, ओम मंदया नमः, ओम प्रॉपर्टी नमः, ओम पैसे नमः, ओम कुबेर नमः, ओम शक्ति नमः। कर्जा तूने लिया है तो ब्याज का तेरा बाप भरेगा। डरने की बात नहीं है भाई, ये रोज का काम है। चलो
भाई, बड़े भाई का नाम करण है। नमस्ते भाई। वैसे वो बाउंसर उस टकले को मार क्यों रहे? उसका दिया हुआ चेक बाउंस हुआ, इसीलिए बाउंसर से उसके बोन्स को ब्रेक करवा रहा हूँ। आपको हमसे ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी क्योंकि हमारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। जस्ट जोकिंग सर। कितने पैसे चाहिए? 3 लाख रुपए। सिक्योरिटी में क्या है? आधार कार्ड रख देंगे। आधार कार्ड रखेगा तो नहीं चलेगा। ए, बिना गारंटी के कर्जा कैसे दे सकते रे? आप हमें दोगे, हम भरोसा करके आए ना, तो आप भी हम पर भरोसा करके दे दो। इंसान इंसान पर ही भरोसा करता है ना। अरे भरोसा गया तेल लेने। यहाँ इधर इस पर साइन कर और पैसे ले ले। सिर्फ साइन के भरोसे आप इतना बड़ा कर्जा दे रहे हो? सच में आप दानवीर करण से बहुत ही बड़े हो। 3 महीने में अगर मैंने कर्जा वापस नहीं किया तो मेरे मरने के बाद मेरी किडनियां निकाल लेना। कोई बात नहीं भाई, मैं साइन कर देता हूँ ना, आप चिंता मत करो। देखो मैं कर देता हूँ ना, एक बार तो सोच लेना। भाई करण भाई। चलो चलो निकलो यहाँ से। पागल कहीं क्या, मैं जब मरूंगा तब मेरी किडनी निकालेगा ना, तब तक तो अपना काम। मैं तेरे मरने का इंतजार नहीं करने वाला। अगर 3 महीने तक पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे मार कर किडनी निकलवा लूंगा। ए, तेरी किडनी को कुछ नहीं होगा। तेरी किडनी अच्छी है, 3 महीने पहले ही चेक करवाया था। सुन, महीने महीने इंटरेस्ट टाइम पर आना चाहिए, वरना कॉल करूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, आप अभी कॉल कीजिए ना। मेरा नंबर है 9848044124। कॉल करने का मतलब फोन कॉल करने से नहीं था, उसका मतलब इससे कॉल करना था। ठीक है भाई, चलना नहीं, चल, चल, मेरी कितनी अच्छी है। हाँ अच्छी है, चलो अभी चल, 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 चल। कुछ भी हो पैसे अरेंज हो गए। हाँ यार, तो खुश हूँ। तो टेंशन का भाई। मैं भी बहुत खुश हूँ भाई, लेकिन वो मेरी किडनी ना निकाल ले इसीलिए दुखी हो रहा हूँ। अबे तू डर मत, पहले पैसे हॉस्पिटल। भाई अब मेरी किडनी पक्का निकाल। तू चुप कर यार, अब क्या होगा, बच्ची का ऑपरेशन रुक जाएगा। तू टेंशन मत ले यार, हम लोग अच्छा काम करना चाहते हैं ना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ। भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करता भाई। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये बंगलो नहीं है सर, मिनी ताजमहल है, सच कह रहा हूँ। ताजमहल मतलब मुमताज की समाधि। भाई मैं बंगलो खरीदने आया था, समाधि खरीदने नहीं। माफ कीजिए सर, माफी चाहता हूँ। ये बंगलो बिल्कुल स्वर्गलोक है सर। हाँ सच में स्वर्गलोक जैसा है। कुछ दिनों में भूत लोक बन जाएगा। हाँ? मेरे कहने का मतलब ये था सर कि बंगलो कितना सुंदर है। हाँ, अंदर चलो। बंगला मुझे बहुत पसंद आया। कितने में बेचेगा तुम्हारा ओनर? 6 करोड़ सर। हाँ? अरे सर 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 सर, पार्टी अच्छी होगी तो 4 में भी दे सकते हैं सर। अब सही कहा, मुझसे होशियारी। इस बंगलों को गेस्ट हाउस बनाएंगे? नहीं, मेरी प्यारी बेटी की शादी एक अच्छे घर में होने जा रही है। उसकी शादी बहुत धूमधाम से करनी है, उसी के लिए खरीदना है। अब तुम अपने ओनर से कहो जल्दी से रजिस्ट्रेशन की तैयारी करे, फुल पेमेंट एक साथ। ओके सर। साइन करिए। थैंक यू वेरी मच। वो बंगलो बहुत अच्छा है सर, आपके लिए लकी साबित होगा। इसीलिए तो खरीदा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी में करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे गोपाल, अरे बड़े भाई, कैसे हो मेरे भाई? बहुत अच्छा हूँ। ये घर सच में कितना बड़ा है, मुझे जो भी चीज बड़ी होती है बहुत पसंद आती है। मुझे भी बड़ी चीजें बहुत पसंद आती है। समंदर भी तो बड़ा होता है, उसमें डूब के मर जाओ। क्या भाई, शादी के घर में अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा सुनिए भैया, घर तो आपने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है। मैंने घर को सेलेक्ट नहीं किया, इस घर ने ही मुझे अट्रैक्ट कर लिया। सुनो गोपाल,
तुमने अपनी बीवी के साथ झगड़ा करके 2 साल अकेले ही गुजारे हैं, कम से कम इस मौके पर उसे बुला लो, उसे अच्छा लगेगा। वो वाइफ नहीं है, नाइफ है। अरे जो वाइफ अपने पति को 2 पैग भी ना पीने दे वो कैसी वाइफ। फिर भी मैंने उसे बुला लिया है, मेरी बेटी के साथ वो 2 दिन में आ जाएगी। क्या बात है भैया, सफर में बहुत थक गया हूँ। अब जाओ और जाकर आराम करो। हाँ हाँ। तुम लोगों का रूम वहाँ है। जाओ, चलो, जाओ, चलो। अपना ये घर है, अपना महल है, प्रेम नगर है ये अपना। यही बनेगी मेरी बिटिया दुल्हनिया। ये कौन है जो शादी के घर में रो रहा है? इस घर में शादी नहीं होगी। क्यों शादी नहीं होगी? अरे ये मेरा घर है, यही मेरी बेटी की शादी होगी। नहीं होगी। लेकिन तुम हो कौन? ये सब क्या हो रहा है? अरे माँ, अरे बाप रे, अरे माँ, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे कौन है? अरे अरे अरे, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बाप रे, बचाओ! अरे ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था तुम सोने जा रहे हो, पर तुम तो आके यहाँ मेरी बीवी की गोद में बैठ गए। कोई बात नहीं, देखिए ना कितना डर गए हैं ये। उस कमरे में भूत है। भूत है? क्या मजाक कर रहे हो? जिसकी गोद में बैठा उससे बड़ा भूत है क्या? हाँ चलो, मैं भी देखता हूँ उस भूत को। आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम लोग आएंगे। हाँ चलो, आ जाओ आ जाओ, फॉलो मी। संभल कर। कहाँ है भूत? इस फोटो में है क्या? हो सकता है। तो क्या इसके अंदर है? हो सकता है। या फिर उस कबर्ड में है? हो सकता है। तो क्या उस आईने में छुपा है? हो सकता है। अगर भूत यहाँ है तो बाहर आ जा, हिम्मत है तो आना। अरे सीनू, जरा तू देख ना, भूत है तो डर क्यों रहा है? बाहर आ, अंदर छुपा बैठा है। बाहर आ, हिम्मत है तो बाहर आ, देख तुझे मजा चखाता हूँ। अरे भैया, तुमने भूत वाला घर कैसे ले लिया? ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर आने से पहले ही भूत आकर बैठ गई। मैंने ये घर इसलिए खरीदा ताकि मेरी शान और शौकत बरकरार रहे। अगर मेरी बेटी की शादी यहाँ से नहीं हुई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। सुनो, तुम डरो मत। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो इस तरह के भूत की ऐसी की तैसी करने में धीरे बोलो को सुन लेगा, भूत की तो बैंड बजा देगा। बड़े भैया, जल्दी से उस तांत्रिक का नंबर दो। नाइन 8 4 8 0। ओए जल्दी जल्दी भागो, अगर पकड़े गए तो मार देंगे हम लोग। मेरी किडनी का सवाल है भाई। 4 6 7 8 9। क्यों बीमार की तरह चल रही हो? चलो फास्ट भागो ना। जो मिलेगी उसको पकड़ेगा क्या तू? क्या हालत हो गई है, कभी भूल कभी किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए। इधर आ जल्दी, चल अंदर आ जाओ। छे, वो लोग फिर से बच गए। बच के जाएंगे कहाँ? इस बार अगर देखे ना तो उनकी किडनी के साथ साथ उनकी जान भी ले लेना। ए, चलो रे, चलो। अरे बाप रे,
भाई फोन बज रहा है भाई। तेरा फोन बज रहा है तो मेरी परमिशन क्यों ले रहा है? मेरा नहीं, तुम्हारा फोन बज रहा है। ओ सॉरी। हेलो, हाँ कौन है लाइन पर? लाइन में कोई नहीं है जी, मैं अकेला ही हूँ। यहाँ पर थोड़ी समस्या है जी। अरे आपको कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास जाइए ना। छी छी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं फिट हूँ। तो फिर मुझे कॉल क्यों किया? विदाउट परमिशन, विदाउट लाइट बिल, विदाउट रेंट, विदाउट मेंटेनेंस, हमारे घर में एक भूत आके रह रहा है जी। हाँ? अरे बाप रे, आपका मतलब मैं आकर आपको भूत से रेंट दिलवाऊं? अरे नहीं भाई, उसे यहाँ से भगाना है। 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख रुपए? 1 मिनट रुकिए सर। बच्ची के हॉस्पिटल का खर्च कितना होगा? 3 लाख। और उस करण को कितना देना? 3। उसका ब्याज पूरा 2 लाख और 2 लाख पॉकेट मनी 10। करेक्ट सर, अगर आप 10 लाख देते हो तो हम आकर उस भूत को ठिकाने लगा देंगे। ठीक है, मैं दूंगा। तो हम लोग आएंगे, बैंड बजा देंगे। बैंड क्यों, यहाँ कोई शादी है? नहीं, मेरा मतलब है हम उस भूत की बैंड बजाएंगे। लगता है फिर कोई नई मुसीबत में डालेगा। क्या यार, तुम हर काम में राजी हो जाते हो। हम बैंड बजाने वाले हैं, भूत भगाने वाले थोड़ी हैं। ए, बच्ची को बचाना है और उसके साथ साथ अपना कर्जा भी चुकाना है। पता नहीं वो कौन है, गलत नंबर डायल करके हमारी हेल्प कर रहा है। भूत के साथ पहली मीटिंग कल ही होगी। हीरोइन का नाम क्यों ले रहे हो? वो अंदर आ गई क्या? खामोश, अंदर चलो। अब हट का मतलब हल्दी होता है। आएगा आएगा, आने वाला आएगा। ये किस हॉरर फिल्म का गाना है? हट हट, बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है। अच्छा दिखाया। इस घर में भूत है, उसी के लिए तो आपको बुलाया है। भूत मेल है या फीमेल? अधूरे सपनों के साथ मरने वाली फीमेल भूत तुम लोगों के घर में वास कर रही है। मैं सपने पूरे करने में एक्सपर्ट हूँ, उससे पूछो उसका सपना क्या है। वो ऐसे सपनों की बात नहीं कर रहे हैं। अरे आप कैसे भी करके भूत को इस घर से बाहर निकाल दीजिए, चाहे जितना भी खर्चा हो चलेगा। अगले महीने में मेरी बेटी की शादी है। क्या शादी है? बैंड बजाने का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही देना है। बैंड का कॉन्ट्रैक्ट क्यों? आप लोग तो तांत्रिक हो ना। बैंड हम लोग शादी में नहीं बजाते, भूत की बजाते हैं। जानते हो वो कहती है कि इस घर में शादी नहीं होने देगी। वो क्या रोकेगी, उसकी चमड़ी उधेड़ कर दुल्हन के लिए साड़ी बनवाऊंगा। कल रात को ही उसको अपना बंदी बना लूंगा। अब वो नहीं बचेगी। ये क्या भाई, आप तो डर रहे हो। मैं डरता नहीं, मैं डराता हूँ। अब उसका अंत मेरे ही हाथों से होगा। अरे वाह, कितनी बड़ी रंगोली है, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली है। क्या दिवाली लग रही है? दीप जलाओ करके डांस मत करना। ओम क्रीम क्रीम वनीला आइसक्रीम। आपने वनीला आइसक्रीम क्यों कहा? आइसक्रीम नहीं, बंधन है, चक्र बंधन है, आत्मा को बंदी करने वाला चक्र है। चलना लाइट कैसे जली बे, लगता है बैटरी डालकर सेट किया है। ओम भूतेश्वरी बहुमति कुरा कुरा स्वाहा। ओम क्लेम क्लेम दिनकर करने। ओम फट स्वाहा कुरा कुरा स्वाहा। ओम शांति मन शांति विजय शांति डिस्को शांति। डिस्को शांति क्यों बोल रहे हैं? अब विश्व शांति के लिए सारी प्रेत आत्माओं से डिस्को कराना होगा। आवाहनम आवाहनम आवाहनम। किस वाहन से आएगी? अशोक लेलैंड।
तुझे वाहन से क्या लेना देना, कौन सी वाहन में आएगी देखना, वेट एंड सी। शाम क्रिम फट स्वाहा, ओम बगबुगे बगनी बागोगिनी बगवासिनी। ये क्या सर, आप तांत्रिक के ऊपर क्यों गिर रहे हो? प्रैक्टिस किया हुआ सारा मंत्र भूल जाएगा ना। ये मंत्र भूल जाएगा मतलब? मतलब अलग अलग भूतों को बंदी बनाने के लिए अलग अलग मंत्रों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो कहीं मैं भूल ना जाऊं इसलिए। ओम शाम। अरे ब्रांडी की बोतल क्यों रख रहे हो? लगता है हम लोग फंसने वाले हैं। मूर्ख, ये ब्रांडी बोतल नहीं है, आत्मा को बंदी बनाने वाला कलश है ये। आई सी यू सी। उत्तर दक्षिण पश्चिम जहाँ भी छुपी बैठी है, आजा बाहर निकल, आजा इधर बैठ। मैं बैठने के लिए नहीं करे, चलो जाओ यहाँ से। वेलकम, ये मंत्र फूकी हुई हल्दी पूरे घर में फैला दो। माते काली, भूत को जल्दी से कैद करो। आवाहनम दिग्बंधनम, आत्मा दिग्बंधनम हो चुकी है। गुरुजी, तुम बच नहीं सकते। अब आप इस बोतल का क्या करेंगे? जैसे ही आप पेमेंट करेंगे शमशान में ले जाकर इसकी समाधि बना देंगे। गुरुजी, आपको क्या देख रहे हैं? भूत को बंदी करते समय गुरुजी अपने सामने किसी को रहना पसंद नहीं करते। जाओ यहाँ से, भागो। शांति। वो लोग चले गए भाई, सब चले गए। ओए, वो सारे ताबीज उस बोतल को बांध दो, देखते ही गोपाल खुश होकर पूरा पेमेंट कर देगा। भाई मेरी किडनी। ए, अपना मुंह बंद कर और ठीक से बांध। भूत अंदर है ना? अब इस कलश में आराम से डोमिनो चीज़बर्गर पिज़्ज़ा खाना, इसे में बंद रहो। रुक जा, रुक जा। ये लो 5 लाख रुपए। ये क्या, हमारी तो 10 लाख की डील हुई थी ना। हाँ, लेकिन पहले भूत को ले जाओ और इसकी समाधि बना दो, और उसके बाद मेरी बेटी की शादी करवा दो, फिर मैं बाकी के 5 लाख दे दूंगा। ये लो पैसे। इसने तो आधी में फंसा दिया। अब हस्तु हस्तु शुभम हस्तु, मस्त मस्त जबरदस्त। क्या मतलब? अब इसी घर में रहिएगा, चलो भाई। नमस्ते सर, अब वो बच्ची कैसी है? कुछ नहीं, अपने दिन गिन रही बस। देखिए सर, इसमें पूरे पैसे हैं, जल्दी से ऑपरेशन कर दीजिए। वाह वेरी गुड, जाके काउंटर पर जमा करा दीजिए। ठीक है सर, चल चलते हैं। चल चल सर, पेशेंट की रिपोर्ट निकालना जरा। चलो, हमने पूरे पैसे भर दिए, अब उस बच्ची की जान को कोई खतरा नहीं। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम श्रीनिवासाय नमः। बच्ची की जान तो तुम लोगों ने बचा ली, लेकिन अब तुम लोगों की जान कौन बचाएगा? बोलो अब क्या किया जाए इन लोगों का? इन्होंने अंगदान किया है बताकर इनकी किडनी छीन लेंगे हम। अरुणा मैडम, अंगदान अपनी मर्जी से किया जाता है, छीना नहीं जाता। कंठी माला पहनते हैं, थोड़ा तो इंसानियत रखिए। करण जी, थोड़ा दिल से सोचिए। आपकी अरुणा जी की कसम, मुझे बस 1 वीक का टाइम दीजिए, आपका अमाउंट 1 वीक में ट्रांसफर कर दूंगा, वरना आप लोग ऑन द स्पॉट किडनी ले लीजिए। वैसे भी इस हफ्ते मेरी पूजा खत्म होने वाली है, अगर पैसे नहीं लौटे तो इस बार तुम्हारी जान ले लूंगा। चल जा। ठीक है करण जी, जा जा। नमस्ते अरुणा जी। अरे भाई, अगर उसको ब्याज के साथ 3 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरी किडनी जरूर निकाल लेगा यार। ए, उसने बोला ना शादी के बाद 5 लाख देगा, तो फिर तू टेंशन क्यों ले रहा है? भूत है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हमारी 10 लाख की लॉटरी जरूर निकलने वाली है। ओम ले भाई, सच में भूत होते हैं क्या? ए, भूत होते हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये ओम बेम बोम बाम टाइगर बाम झंडू बाम कड़पा बाम, ये सारे मंत्र मैं याद नहीं रख सकता यार। भूत की ऐसी की तैसी। भूत को मेरे सामने आने दो, आने दो उसको। उस भूत की औलाद को ऐसी लात मारूंगा कि याद रखेगा। तुम किसी बात का टेंशन मत लो, अपना मंत्र याद करते रहो, याद करते रहो। मैं बाहर जाकर आता हूँ। ओम फट स्वाहा, ओम क्लीम फट स्वाहा। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि। लगता है मुझे लाइन दे रही है, अब तो इसे शीशे में उतारना पड़ेगा। सारे रे 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 रे
ये तो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला, इसने तो इसको भी सेट कर लिया। मेरे साथ इसने चाय बिस्किट दारू तक शेयर की, लेकिन इसे शेयर नहीं करेगा मेरे साथ। कहाँ चली गई वो? अबे खुद को ही देखकर डर गया। क्यों डार्लिंग, कहाँ छुप गई मेरी जाने मन? ये क्या तुम मेरे साथ चोर पुलिस का खेल खेल रही हो? तुम्हें पता नहीं है मैं इस खेल में चैंपियन हूँ। कहाँ छुप गई मेरी ब्लैक ब्यूटी? कहाँ चली गई? जल्दी सामने आ। अरे ये ऐसे क्यों दिख रही है? अंदर तो ठीक ठाक ही आई थी। भूत कहे तो भूत तो नहीं हो? अरे बाप रे, मर गया। अरे कोई बचाओ। अब बस बिकर भूत की औलाद। अगर तू भूत नहीं होती तो तेरा थोबड़ा तोड़ डालता। अरे ठीक है मैं तुझे नहीं मारूंगा, अब तू मेरा गला छोड़ दे। अरे मर गया। बाहर किसी ने सूरत तो नहीं? तो चक्कर में फंस गया मैं। तुम्हारे हाल कितने कोमल हैं। तुम यहाँ छुपी हो? एक दो तीन। अरे कहाँ गई है? अरे बाप रे, नहीं नहीं मर गया। सा धा नी रे, सा धा। ओम हिम क्लीम कुरु कुरु स्वाहा। अरे ये क्या हुआ? तुम लोग भूत की तरह आवाज़ क्यों निकाल रहे हो? भूत है, अंदर भूत है इस घर में। अपना मुंह बंद कर, अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा देख लिया होगा तुम लोगों ने। सच बोल रहे, अंदर भूत है, उसने ही हमारी हालत की है भाई। उसने हमें बहुत मारा, चल यहाँ से निकलते हैं यार। अपना रोना बंद करो, मैं जाके देखता हूँ। भाई भाई बन जा, भाई भाई। इसे देखकर ये लोग डर गए हैं शायद। अरे भाई क्या हुआ? भाई भाई दरवाजा खोलो। अरे
मुझे खींच रही है। अरे बचाओ, मुझे बचाओ। भाई दरवाजा खोलो, बचाओ। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे मुझे नीचे उतारो, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझे नीचे उतारो। अरे मैं गिर जाऊं। अरे तुझे कैसे बचाए, तू कोई तूफान में नहीं फंसा है, तुझे भूत ने पकड़ा हुआ है। अगर मैं फंसा हूं तो तुम लोगों को आगे बचाना चाहिए। अब तक तुझे प्यार से समझाया था ना, लेकिन नहीं, तू हीरो बनने चला था। अब देख तेरा क्या हाल कर रही है। बचाओ, भागो, चलिए निकल निकल। अबे तुझे अभी ये गिरना था, चलो जल्दी भाग। वो भागना, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। कहाँ भागे, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरे भूत हमें पीछे खींच रहा है भाई। अरे भूत की औलाद, हम लोगों को छोड़ना। अरे तुझे क्या चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अगर जाने के बारे में सोचा भी तो खत्म कर दूंगी। समझ गया, हम लोगों को यही रखना चाहती है ना, तेरा यही प्लान है ना। चल भाई, हम लोग इसी के साथ रहेंगे। अब इसका भी मान रख लेते हैं भाई, जब इसका दिल भर जाएगा तो यहाँ से चले जाएंगे। चली गई होगी ना। मंडप के लिए ये डिजाइन कैसा है? ये डिजाइन सही है। सुनिए जी, रोज क्यों पीते हो? मुझे पता है, तू जा। एक दिन भी बिना पिए नहीं रह सकते। मुझे मना करती है, चल जा जा। सुनिए गोपाल जी, देखिए ना आपकी वाइफ आई है। ए भैया, देखा ना कितनी घमंडी है, वहां खड़े खड़े मुझे कैसे घूर रही है। देख रही हो उन्हें, पहले ये कश्मीरी एप्पल जैसे थे, अब पी पी कर भोपला बन गए हैं। अगर पति रोज दो पैक पिए तो उसे छोड़ देते हैं। मुंह बंद कर अपना, दो पैक के साथ चार चाटे भी लगाते हैं ये। हाय डैडी, कैसे हो? छुट्टियों में जैसे बच्चे खुश रहते हैं, मैं भी वैसे ही खुश हूँ। तुम कैसी हो? मैं वीकेंड के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जैसे हैप्पी हैप्पी हूँ। ये लोग तो कभी एक नहीं हो सकते। पति पत्नी दोनों एक समान होते हैं, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये लोग कौन है, बैंड बजाने वाले लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्पाई एजेंट लगती है, फेस देखकर ही प्रोफेशन बता रही है। चुप रहो बेवकूफ, क्या समझ रही हो उनको, उनका डिपार्टमेंट ही अलग है। अगर उन्होंने एक मंत्र भी पढ़ लिया तो तुम गायब हो जाओगी। अंदर जाओ। डॉक्टर, ऑपरेशन हो गया ना? हाँ हो गया ना। बच्ची कैसी है अब? वो एकदम सही है। आप सच में भगवान है डॉक्टर? मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ, भगवान तो अंदर है। आओ चले। थैंक्स। इसकी क्या जरूरत है, पति पत्नी आपस में थैंक्स बोलते हैं क्या? सही कहा, पति पत्नी के बीच थैंक्स की जरूरत नहीं होती। हाँ क्या कहा? वही, पति पत्नी के बीच थैंक्स की जरूरत नहीं होती।
मैम साहब ये लीजिए दूध। मैम साहब इस घर में भूत है, आप थोड़ा संभल के रहिएगा। आजकल भूत कहाँ होते हैं, सिर्फ फिल्मों में भूत होते हैं। हम लोग खुद भूत से कम है क्या? ठीक है जाकर अपना काम करो। बोल रही है भूत है, घर में कैसे भूत आ सकता है? ना 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 ना, जाने कहाँ तू है कि है? अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, कोई नहीं है वहाँ पे। पागल हो गई है क्या? अरे ऊपर क्या देख रही है तू? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या कह रही हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, भूत को तो कैद कर लिया था ना। क्यों झूठ बोल रहे हैं? देखा तो भूत ने हमें बुरी तरह से पीटा है। इस घर में भूत है इसलिए तुमने मुझे जानबूझकर बुलाया। मुझे पता है तुम मुझे मरवाना चाहते हो। क्या मैं? मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती, ये सब तुम्हारा किया कराया है। रुक जाइए। क्यों रुके हम? इस घर में भूत है, यहाँ रहेंगे तो हमारी जान को खतरा है। इनकी वजह से एक बच्ची की जान बची है, तो अब मेरी वजह से आप दोनों दूर कैसे हो सकते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी मैं करवा के ही रहूंगा। आत्मा को तो तुमने बंदी बना लिया था, फिर वो कैसे आ गई? सॉरी सर, थोड़ी सी गलती हो गई, हमने तो उसे बॉटल में कैद कर लिया था, पता नहीं कैसे वो निकल कर भाग गई। क्या बाहर निकल गई? आत्मा के रोकने से ये शादी नहीं रुकने वाली, शादी होकर रहेगी। मैं ये शादी करवा कर रहूंगा। आत्मा प्रेतात्मा ही नहीं, अगर परमात्मा भी आ जाए तो भी मैं शादी करवाऊंगा। जब पेड़ पर भूत है तो मुझे कैसा डर, जब पेड़ पर भूत है तो मुझे कैसा डर, जब पेड़ पर भूत है तो मुझे कैसा डर, घर में भूत है तो मुझे कैसा डर, घर में भूत है तो मुझे कैसा डर, घर में भूत। बड़े बड़े भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल कई आत्माओं को बंदी बनाने वाले महातांत्रिक हमारे साथ हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। सर खुद हमारी जान खतरे में है, हम कोई भूत उत भगाने वाले नहीं है। तू चुप कर यार। सर हम कोई भूत उत नहीं भगाते, हम तो बैंड बजाने का काम करते हैं। बैंड बजाने वाले हो? अरे चीची, तो ये तंत्र मंत्र करने वाला डंडा कहाँ से लेकर आए? इसे हमने चिंचोली बंदर से खरीदा है। और ये गेटअप? ये गेटअप नहीं है सर, ये तो सेटअप है। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। सॉरी सर। जब ये मंत्र का डंडा तोड़ सकते हैं तो समझिए वो भूत कितने गुस्से में है सर। चाहे वो कितने भी गुस्से में रहे लेकिन मैं उसे अपने वश में करके ही मानूंगा। शहनाइयां बजेंगी, हिम्मत है तो बाहर आ, आजा बाहर आ, तुझे मैं उठा उठा के पटकूंगा। अरे मुझे बचाओ, नदी मुझे बाहर डालेगी। अरे इसको पटक रही। इस घर में सारे मेहमान आएंगे और आकर बिरयानी भी खाएंगे, शादी धूमधाम से होकर ही रहेगी। नहीं होगी। मैं डर गया हूँ, ये मत समझना। कौन है तू? तेरा प्रॉब्लम क्या है? आजा बाहर आके बता, तुझे आज देख ही लूंगा। दिखा मेरी हिम्मत से। ये शादी नहीं होगी। जरूर होगी। नहीं होगी। जरूर होगी। इसने मुझे पीटा था। अगर ज्यादा बोलोगी तो वो तुम्हें मार डालेगी। आ,
भाई, भाई, भाई। सपना, सपना। इस भूत का नाम सपना है, इसका मतलब तुम इसे पहले से जानते हो। सपना रुक जा। चुप क्यों हो तुम, कुछ बताते क्यों नहीं? मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम इस भूत को कैसे जानते हो? मैं भूत को नहीं, सपना को जानता हूँ। सपना मेरी रिश्तेदार है, मेडिकल कर रही थी। बहुत बड़ा डॉक्टर बनने का सपना था उसका, लेकिन भगवान ने एक छोटी सी गलती कर दी। सपना के माता पिता उसके बचपन में ही मर गए। उसके बाद वो हमारे घर में पली बढ़ी। हर रोज मैं खुद उसे कॉलेज ड्रॉप किया करता था। सपना। हाँ नरेश। ये लो तुम्हारी कॉलेज फीस। थैंक यू सो मच। वो गरीबों के लिए एक अच्छा अस्पताल बनाना चाहती थी। अरे रुक। बाप रे। अरे सपना। रुक, बोल रही हूँ ना। सपना। अरे एक मारूंगी ना तो हॉस्पिटल के बेड में जाकर गिरेगा, पूरी जिंदगी आईसीयू में ही गुजरेगी तेरी। सपना ये फिल्मी डायलॉग मारना जरूरी है क्या? अरे तू पागल है, दिल तो पागल है। अरे तुम लोग चुप रहो, हुआ क्या है बताओ? बताती हूँ, मैंने उतारा तो पूरे पैसे ले लिए मुझसे और अब घर दिखाने में आनाकानी कर रहा है। अच्छा उसे कोई एडवांस कहते हैं? 7,500 रुपए में 750 घर दिखा चुका हूँ। लोखंडवाला में दिखाया तो बोलती है पसंद नहीं है। अंधेरी में दिखाया तो बोलती है तो बहुत दूर है। मलाड में दिखाया बोलती है तो बहुत गंदा है। इतनी जगह दिखाया, सब में कोई ना कोई कमी निकाल दी। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी कस्टमर गले पड़ी। अरे इसे तो ताजमहल भी दिखाऊंगा ना तो भी उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देगी। वैसे भी ये खरीदने वालों में से नहीं है, गोल्डन फ्यूचर है मेरा और मुझे तो इससे भाषण दे रहा है। माँ ये फ्यूचर कहकर शहर के सारे ब्रोकर्स को तंग कर रही है। उसके लिए बहुत टाइम है ना, अभी से क्यों परेशान हो रही है? ब्रोकर लोगों को परेशान मत कर। फ्यूचर प्लानिंग माँ, गरीब लोगों के लिए एक अच्छा सा हॉस्पिटल, 2 kids, 1 husband, पीसफुल लाइफ, इस जिंदगी के लिए इतना ही काफी है। तुमने सुन लिया ना माँ, अब इसके लिए एक अच्छा सा पति ढूंढना पड़ेगा हमें। जरूरत नहीं है, मैंने ढूंढ लिया है। कौन वो? अपने घर के सामने वाला आँखों का डॉक्टर? सामने वाला आँखों का डॉक्टर या बगल वाला कानों का डॉक्टर नहीं। मतलब मैं? तो कौन? और कौन? आपका बेटा? मैं? मेरे बैंड के फूफू के साथ तेरा स्टेथोस्कोप मैच नहीं करेगा। तेरे लिए मैं एक अच्छा सा डॉक्टर ही ढूंढ लूंगी बेटी। माँ आपने मुझे बचपन से पाला है, इसलिए मैं नरेश से शादी नहीं कर रही। मुझे वो बहुत पसंद है, मेरे लिए तुमने बहुत मेहनत की है। मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे इसीलिए तुमने अपना नाम बैंड के साथ जोड़ लिया नरेश। अब मुझे तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ लेने दो नरेश, इट्स अ रिक्वेस्ट। देखो तुम समझ नहीं, इस जन्म में मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ, ये बात बिल्कुल फिक्स है। अरे अरे हम लोग यहीं खड़े हैं। चलो 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 चलो, लगे रहो लगे रहो। सपना की मर्जी के हिसाब से हम रजिस्टर ऑफिस आ गए। सपना मेरी जिंदगी में आ रही थी ये सोचकर मैं बहुत खुश था, लेकिन उस दिन वो रजिस्टर ऑफिस आई ही नहीं। फोन किया था पर रिसीव नहीं की। क्या बात है ये जानने के लिए मैं उसके दोस्तों से मिला, तो मुझे पता चला कि सपना उसके साथ ट्रेनिंग ले रहे एक डॉक्टर के साथ शादी करके चली गई। ये जानकर मुझे दुख तो हुआ पर बाद में लगा कि उसने जो किया सही किया। वो जहां भी रहे बस खुश रहे यही मैं चाहता था। उसे ऑल द बेस्ट कहने के लिए मैंने फोन किया था पर स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन मैं उसे इस हालत में देखूंगा ये सोचा नहीं था। वैसे भी तुम तो किसी के साथ भाग गए थे ना, वापस क्यों आई? तुम लोगों ने कैसे विश्वास कर लिया उनकी बातों पर? तुम्हारा पता लगाने के लिए मैं तुम्हारे दोस्तों से मिला था, उन्होंने कहा कि तुम अपने किसी यार के साथ भागी, आई मीन शादी करके तुम चली गई। झूठ है ये। झूठ है तो फिर सच क्या है? शादी के बाद सच बताऊंगी। अरे वाह, भूतों में भी अच्छे भूत होते हैं ये तुमने साबित कर दिया। मेरी बेटी की शादी के बाद बताएगी। चलो 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 अभी से शादी की तैयारी शुरू करते हैं। तुम्हारी बेटी की शादी नहीं, मेरी शादी के बाद। क्या कहा? एक भूत की शादी, तेरी शादी? तुमसे शादी करने के लिए कोई भूत तैयार है क्या? मेरा नरेश।
ये क्या नाटक चल रहा है कब से तुम्हारा? देखो अभी मारना मत था, लड़के लड़के आपस में शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की भी कर सकती है, लेकिन भूत और इंसान कैसे शादी करेंगे? चलो शादी करोगे तो मंगलसूत्र कहाँ बांधोगे? हवा में बांधोगे? अरे मेरी बात सुनो यार, मंगलसूत्र भी पहना दिया तो सुहाग रात कहाँ मनाओगे? वो भी हवा में मनाओगे क्या? शादी होकर रहेगी। अगले बुधवार मेरे जन्मदिन के दिन हमारी शादी का मुहूर्त है। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो इस घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं समझ गया, तुमने अपनी शादी बहुत पहले फिक्स कर ली थी, अब हम लोग भी फिक्स हो जाते हैं। कल ही शादी के कार्ड छपवा लेते हैं और परसों जाकर शादी की शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोगों की शादी करा के तुम दोनों को पति पत्नी बना देते हैं। एक भूतनी के साथ इंसान की शादी देखने का मजा है। आप किन किन चीजों की कार्ड बनाते हैं? यहाँ पे शादी के कार्ड प्रिंट होते हैं, सिनेमा के पोस्टर नहीं प्रिंट होते। हम लोग भी मूवी के पोस्टर्स प्रिंट करवाने नहीं आए हैं, वेडिंग कार्ड्स ही प्रिंट करवाने हैं। दूल्हे का नाम नरेश, नरेश। और दुल्हन का नाम? बाबा भूतनी। दुल्हन का नाम भूतनी है? भूतनी के साथ शादी? अरे मेरा दोस्त मजाक कर रहा है, दरअसल दुल्हन का नाम सपना है। कैश पेमेंट करके जाइए, दो दिन में कार्ड प्रिंट हो जाएगा, आपके घर भिजवा दूंगा। सर शादी के कार्ड की गठरी किसकी है, अक्षय कुमार की या सुनील शेट्टी की? शायद दोनों की है। दोबारा करने की? अरे तुम भूल गए क्या, तुम्हारी शादी की कार्ड? मेरी शादी है, मेरी ही शादी है, लाइए। सर 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 क्या हुआ? शादी के कार्ड्स आ गए हैं सर। ओ ये क्या, यहाँ इतनी शांति क्यों है? शायद वो सो रही होगी। हाँ भूत नहीं सोते यार। तू क्या इससे पहले भूत के साथ रहता था बेवकूफ? ठीक है चलो। तो मैडम यहाँ पर हैं। स्वस्ति श्री चंद्रमा ने ना दुर्मुखी नाम सहस्त्र श्रावण षष्ठी तारीख 11/2/2016 शुक्रवार सुबह 10:40 पर चिरंजीवी नरेश और लक्ष्मी सौभाग्यवती सपना की शादी तय की गई है। आप सब आमंत्रित हैं। इतने दुखी क्यों हो भाई? सपना के बारे में सोचकर दुखी हो रहा हूँ मैं। उसकी मौत का असल कारण क्या है ये समझ में नहीं आता। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो क्या कर सकते हो भाई? ए, इंदुमती का फोन है। थोड़ा ध्यान से बात करना, पहले से ही एक लड़की भूत बन चुकी है, अगर ये बात इसे पता चली तो ये भी भूत बन जाएगी। हेलो इंदु। हेलो कहाँ हो तुम? कोल्हापुर में रमा शेट्टी जी के बेटे सुरेंद्र शेट्टी और एसवी कृष्णा जी की बेटी नंदिनी दोनों की शादी हो रही है, तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया इसलिए मैं बैंड बजाने आया हूँ, तो 10 दिन के बाद मैं तुम्हें आके मिलूंगा। ओके समझ गई। कृष्णा विजय भास्कर शेट्टी के बेटे कृष्णा सूर्य प्रकाश शेट्टी के सम्मान में एक फंक्शन है, तो मैं भी कोल्हापुर ही आई हूँ। अच्छा कहाँ हो? तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। यू मीन माई बैक? इंदु मेरे साथ प्यार का नाटक करके किसी और से शादी कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है। ये लड़की कौन है? ये इसके लवर है सर। तुम्हें क्या लगा तुम अगर किसी दूसरी लड़की से शादी करोगे तो मैं चुप रहूंगी और कुछ नहीं कहूंगी? मर के ही सही तुम्हें हासिल करके रहूंगी। ऐसा मत कहो, ये ऑलरेडी एक को झेल रहा है। इसको कॉर्ड किसने भेजा? मैंने ही भेजा था भाई। कहाँ है वो लड़की, मैं उसे देखना चाहती हूँ। ओहो तो तुम ही हो वो दुल्हन। हेलो तुमसे ही बात कर रही हूँ। ए इंदु तुम चुप रहो, पीछे से कैसी लग रही हो पता भी है तुम्हें? बिल्कुल भूत जैसी लग रही हो तुम। अब भूत भूत नहीं लगेगी तो क्या हीरोइन लगेगी? चुप रहो। सुनो मैं तुमसे ही बात करने आई हूँ, मेरी तरफ देखो। अरे सुनाई नहीं दे रहा, बड़ा घमंड है इससे। अरे इसको समझ। इंदु इंदु इसका नाम क्या है? इंदुमती है ये। इंदुमती
इसके माँ बाप ने पुण्य किए होंगे इसीलिए उसने इसे जिंदा छोड़ दिया भाई। इंदुमती बेटी उठो। वो लड़की इंसान नहीं है क्या? नहीं भूत है। भूत है? तुम भूत से शादी क्यों कर रहे हो? वो मेरी रिश्तेदार है। फिर भी एक भूत के इंसान के साथ शादी कैसे हो सकती है? अब हम क्या बताएं? हम भी तो पहली बार ये सब देख रहे हैं ना बेटी। भूत की ये ख्वाहिश है समझ सकती हूँ, लेकिन उसने इतने पुण्य के काम नहीं किए कि वो तुमसे शादी कर ले। ये और इसके पुण्य। ठीक है शॉपिंग करना बाकी है ना, दुल्हन के कपड़े खरीदने। कला मंदिर में आपका स्वागत है, मेरा नाम सलोनी है, मैं सेल्स गर्ल हूँ। तो बताइए क्या दिखाऊँ आपको? हमें साड़ी दिखाइए। ठीक है ये देखिए प्योर सिल्क। हमें आपकी साड़ी नहीं देखनी है मैडम, हमें तो वो दिखाइए। सॉरी सर मैं थोड़ी फ्री टाइप की हूँ। कुछ ज्यादा ही फ्री टाइप है। सॉरी सर माफ कीजिएगा, ये थोड़ी अलग टाइप की है। आपको किस टाइप के कपड़े चाहिए? हमें शादी टाइप साड़ी चाहिए। हाँ सुना शादी टाइप के। ये रेशमी देखिए और ये बनारसी। ये साड़ी तुम्हें अच्छी लगी क्या? कलर तो अच्छा ही है और पैटर्न भी नया है, नेचुरल लगती है। तो फिर ये साड़ी देखो, ये तुम पे बहुत जचेगी। या फिर ये देखो ये क्या कर रहे हैं? दुल्हन तो वहाँ खड़ी है तो चेयर को साड़ी क्यों दिखा रहे हैं? ये पैक मार के आए हैं क्या? तुम्हें उससे क्या, तुम अपने काम पर ध्यान दो। क्या वो रेट ज्यादा है क्या? तो आपको क्या चाहिए सर? हमें डिस्काउंट चाहिए। ओ आप डिस्काउंट टाइप के लोग हैं, सॉरी सर हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। लेकिन डिस्काउंट क्यों नहीं दे सकते? सर वो हमारे बॉस हैं, वही डिस्काउंट दे सकते हैं। चुटकिया क्या बजा रहा है तू? क्या चाहिए तुझे? हमें डिस्काउंट चाहिए। कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा यहाँ। मुझे चाहिए। नहीं दूंगा। चाहिए। आंखें लाल करके किसे दिखा रहा है तू? हाँ चल जा यहाँ से। डिस्काउंट ही पूछा था, धक्का क्यों दिया? ये क्या कर रहे हैं सर? अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो आप इस तरह मारेंगे? ये कौन सा तरीका? आप उन्हें रोकिए ना। अरे जाओ तुम ही रोक लो। सॉरी सॉरी। हेलो पुलिस स्टेशन सर, डिस्काउंट न देने पर एक कस्टमर ने हमारे बॉस को मारना शुरू कर दिया। जल्दी आइए सर। कौन है रे तू? मुझे इतना क्यों मार रहा है? ये क्या हो गया? अरे ये तो मर गया। ये क्या? इसे तो डिस्काउंट के बारे में पूछा था, नहीं देना था तो मना कर देता ना, लेकिन ऐसे कोई डिस्काउंट पूछने पर सुसाइड करता है क्या? तुमने इसे इतनी बुरी तरह से मारा है और अब तू अपना मासूम चेहरा बनाकर ये कह रहा हूँ कि इसने सुसाइड किया है? और नहीं तो क्या, ये डेड बॉडी का केस मैं सीधे अपनी बॉडी पर झेल लूँ क्या? पुलिस आ रही है, वो डिसाइड करेगी ये केस किसकी बॉडी पर लगेगा। क्या पुलिस? ये कौन है? यहाँ के एरिया इंचार्ज बालाजी। बालाजी? हाँ सुना था इनकी यहाँ से ड्यूटी खत्म हो गई। खत्म होने के लिए मैं कोई आइसक्रीम हूँ क्या? आईफोन हूँ, सीरीज बदलता रहेगा पर ब्रांड नहीं। क्या बोला जी आपने? सही बोला जी। अब बताओ क्या हुआ था यहाँ? असल में यहाँ क्या हुआ था ये मैं बताता हूँ सर। सर जी आपने उसे क्यों मारा? मुझे जेंट से इरिटेशन है।
और मुझे पुलिस वाले से अट्रैक्शन है। तुम बताओ क्या हुआ था? शादी के कपड़ों पे डिस्काउंट नहीं दिया ना, सिर्फ इतनी सी वजह से मेरे बॉस को मार दिया इस लड़के ने। नहीं सर, मैंने नहीं। क्या सुन रहा हूँ मैं? लोग पैसों के लिए मर्डर करते हैं, दुश्मनी में भी मर्डर होते हैं, इज्जत लूटने पर भी मर्डर हो जाते हैं। डिस्काउंट नहीं दिया और तूने मर्डर कर दिया, तेरी तो। सर सर, मैं तो सिर्फ बैंड बजाता हूँ सर, ऐसे मर्डर करने का मेरा कोई धंधा नहीं है। चाहे तो आप किसी से भी पूछ लीजिए। ओके, कौन है, कौन है इसे जिसने मारा है? इसे किसी ने नहीं मारा सर, ये खुद ही ऊपर से कूद के मर गया। हाँ सर, वो खुद ही मर गए। हाँ सर जी, अगर आप गूगल में अच्छा इंसान सर्च करोगे तो इसी की तस्वीर नजर आएगी। सुनो मिस्टर, मैं गूगल नहीं देखता, सीसीटीवी कैमरा देखूंगा। क्या लॉजिक पकड़ा जी? सही बोला जी। फॉलो मी। सिक्योरिटी। यस सर। एक घंटे पहले की फुटेज प्ले करो। ओके सर। यस। मैडम, ये क्या है, अपने आप को मार रहा है, खुद ही अपने पीछे पड़ा हुआ है और खुद ही ऊपर से नीचे गिर गया है। मैंने कहा था ना सर, मैंने नहीं मारा है, लेकिन आपने भरोसा नहीं किया। भूखे बच्चे को दूध चाहिए, पुलिस को सबूत चाहिए। यू कैन गो, गो। अब क्या करेंगे जी? वेट करेंगे, सबूत ढूंढेंगे। अरे क्या हुआ? कोई और मरता तो मुझे दुख होता है, और आज मैंने किसी का खून कर दिया। दुखे मत हो, ये लो पिया। शायद भूत की उस दुकान वाले से पुरानी दुश्मनी होगी, तो उसने सही मुहूर्त देख के तुम्हारे अंदर प्रवेश किया और उसे मार दिया। मुहूर्त देखकर प्रवेश करने के लिए मेरी बॉडी का गृह प्रवेश है क्या? और वैसे भी अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। यानी अभी तक हो ठन ठन गोपाल। साइलेंस। अब क्या हो गया? आई एम गिविंग ए स्टेटमेंट नाउ आफ्टर टू पैक्स। केवल इसी घर में नहीं, हर घर में होती है भूत, बीवी के रूप में। अरे भूत हो या बीवी हो, दो पैक पीने के बाद उसे दो हाथ मारो, हट से भाग जाएगी। इतनी पावर है इसमें। है? ये क्या है? ऐसे बाल खोलकर पूरे बदन में सेंट लगाकर रोमांटिक लुक देते हुए आ रही हो। फर्स्ट नाइट याद आ रही है क्या? कौन सी फर्स्ट नाइट रे? हाँ, रे, मुझे रे कह रही है, तुझे तो पति पर हाथ उठा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बीवी हो बीवी बनकर रहो। फिर से मारा तुझे। क्यों रे? बीवी का मतलब हर समय तेरे सामने घूंघट निकालकर सिर पर मर्यादा का बोझ और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर आने वाले अबला समझा है क्या, जो तेरे सामने गुलामों की तरह हाथ जोड़कर खड़ी रहे और दया की भीख पर जिंदा रहे? तूने मुझे ऐसे समझा है क्या? महाकाली हो। क्या भाभी, आपको तो भैया के बारे में पता है। क्या पता है रे? तुझे देख लिया ना? तुझे तो मैं अभी बता दूँ। छोड़ मुझे, छोड़। मैंने कहा दो पेक पीने के बाद कैसे हाथ चलता है तेरा? कभी सोचा मुझ पर क्या बीती होगी? सोचा कभी तूने कमी ने? अरे बापे, ये मेरी बीवी नहीं है। हाँ भैया, बाबे के शरीर में भूत घुस गया है, शांत रहिए वरना मार देगी। मार दूंगी तुझे, निकल। नहीं पीऊंगा। निकल यहाँ से, चला जा, चला जा यहाँ से। कॉफी पाउडर डालो। रात का भूत अभी तक उतरा नहीं है। सच में? अरे कोई कोई भूत भूत नहीं घुसा था मेरे अंदर। मैं भूत के कैरेक्टर में घुस गई थी। मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। यानी जेठ जी को मारने के लिए आपने भूत का झूठा नाटक किया था? पागल कही थी, कितने बार पीने के बाद मेरे साथ उन्होंने 20-20 खेला था, इसलिए कल मैंने उनके साथ अच्छी तरह से कबड्डी खेला। अच्छा, तो रात को ड्रामा किया था, अभी गोपाल जी को बताता हूँ। अरे मत रो भाई, रात में जिसने तुम्हारी पिटाई की वो भूत नहीं थी, तुम्हारी बीवी नहीं। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। क्या? कल रात आपको मारने वाली कौन थी? भूत थी। नहीं नहीं, भूत का नाटक करने वाली आपकी बीवी ही थी। किचन में बात करी थी तो मैंने सुन लिया। देखा ना तुमने, मुझे पहले ही डाउट हो गया था। भला एक भूत के शरीर में दूसरा भूत कैसे जा सकता है? ओ, कितना बड़ा गेम खेली। उसकी चमड़ी उधेड़ के अपनी लुंगी बनवा लूंगा। गीता, चल बाहर निकल।
क्या हुआ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे वाह, कल रात में शेरनी की तरह दहाड़ रही थी और अब देखो। क्यों जी, क्या हुआ, क्यों बुलाए? ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। लुंगी गिरा कर मारूंगा ना तो बैली डांस करोगी, बैली। सर, आप जो करते हैं वो बहुत गलत है। क्या सर? कहा? इसको मारना गलत है? नहीं, दारू पीना गलत है। अरे मेरी मर्जी, मेरा लीवर खराब हो जाएगा, मेरी किडनी खराब हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी जान चली जाएगी। अरे मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं। औरतें ऐसा नहीं सोचती सर। तो क्या सोचती हैं? हमारी जिंदगी को भी वो अपनी जिंदगी समझती हैं सर। और वैसे भी ये औरतें मांगती क्या हैं? और क्या चाहिए उन्हें, पैसा और सोना? नहीं सर, हम जब शाम को घर लौटते हैं तो हंसते हुए घर लौटे, लेकिन हम लोग नशे में पहुंच जाते हैं। अगर हमें खुशी होती है तो हम दारू के साथ बांट लेते हैं, लेकिन अगर इनको कोई परेशानी हो तो वो किसके साथ बांटेंगी सर? A relationship between a man and a woman is pure... बस, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा बोल रहे हो? Scene demanded. Thanks. Excuse me. Come on. Wow, very big house. Samdhi ji. अरे ये क्या समधी जी, आपने तो इनकम टैक्स वालों की तरह अचानक एंट्री ले ली। कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, इसी हफ्ते में शादी का प्रोग्राम कर लेते हैं, इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। और क्या भाई? मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी। आपके बेटे और मेरी बेटी की शादी से पहले हम लोग यहाँ पर एक दूसरी शादी कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ी देर हो सकती है। आशा है बुरा नहीं मानेंगे। दूसरी शादी? हाँ समधन जी, एक ऐसी शादी जिसके बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि वो एक स्पेशल शादी है। डैड, वो स्पेशल शादी यही है और दूल्हा भी यही खड़ा है। ये सब कुछ मुझे नहीं पता। अगर अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी नहीं हुई ना तो मैं दूसरा रिश्ता देख लूंगा। ऐसे मत कहिए, हालत भी तो देखिए ना सर। तेरे हालात को लेकर मैं मेरे घर में अचार डालूंगा। पहले मेरे बेटे की शादी होगी, तेरी नहीं होगी। अरे रुके रुके सर, सर ऐसे फाड़िए मत सर। समझी जी, ऐसा मत कीजिए, उसे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा किसको आएगा? तेरे को गुस्सा आया? अरे आप समझ नहीं रहे। मैं कुछ भी नहीं जानता। आज रात को हम यहीं पे रुकेंगे, सुबह होते ही मेरे बेटे की शादी का मुहूर्त निकलवाओगे तो ठीक, नहीं तो रिश्ता कैंसिल। वेयर इज माई रूम? Where is my room? ऊपर है, ऊपर 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 सुपर हिट। हवा कितनी फ्रेश चल रही, इसके साथ कुछ फ्रेश मिल जाए तो मजा आ जाए। बेचारे की आज खैर नहीं है। सर, दरवाजे के अंदर मत जाइएगा। मुझे काला रंग पसंद है। मैं भी तुम्हें पसंद हूं ना। हू कर रही है पूरी पूरी मूड में। टेंशन मत लो, मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। मैं मूड में आ चुका हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम जल्दी से मेरे गाल पे गाय से पप्पी मांगा था, पीठ पे मुक्का दे दिया। गायब हो गई ब्लैक ब्यूटी, गायब हो गई, गायब हो गई, गायब हो गई।
कोई भी नहीं यहाँ पे। अरे गायब हो गई, आ गई, आती जाती है। अरे क्या हो रहा है? मेरी शादी का कार्ड तूने क्यों फाड़ा? मैंने कौन सा कार्ड फाड़ा? सुबह तूने फाड़ा था ना? शादी का कार्ड ही नहीं, विजिटिंग कार्ड भी कभी नहीं फाड़ूंगा। हमने कितना मना किया था सर, लेकिन आप नहीं माने, आप कुटाई हो गए। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलता, खासकर मेरी बीबी को। बताने की जरूरत नहीं, आ गई है वो। घर में रखा एलईडी टीवी तो देख नहीं सकते, लेकिन बाहर का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो चैनल बदल बदल कर देखते रहते हैं। आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, हटिए, दूर हटिए, मुझे देखने दीजिए कौन है। अरे मेरा, सुनो, लेडीज को भी सेम ट्रीटमेंट मिलता है, उसके यहाँ किसी को कोई आरक्षण नहीं मिलता। देख लिया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को क्या बोला? बेटे की शादी लेट रखने के लिए। क्या हुआ? तुम्हें भी समझा दिया, आओ चलो चलो। बेचारे दोनों की जोड़ी ही हिल गई। अच्छा हिला के ही छोड़ दिया, अब अकल आ गई। समधी जी। अरे क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। कल पूरी रात हम दोनों सोचते रहे। सुबह हमने दूल्हे को भी देख लिया था ना, रात में दुल्हन से मुलाकात हो गई। मेड फॉर ईच अदर, वैसे हमारे बेटे की शादी की जल्दी नहीं है। बिल्कुल नहीं दैट। पहले आप अपने घर की शादियाँ, सुहागरात, गोद भराई, सारी रस्में पूरी कर लीजिए, हमारे बेटे का क्या, हमें कोई जल्दी नहीं है। अरे अरे ऐसा मत बोलिए समधी जी। नहीं कोई जल्दी नहीं है, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई, अब हम लोग चलते हैं। चलो चलो। अरे समधी जी, बाय बाय। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, साइड हो जाइए। आप इतने उदास क्यों हो भैया? मुझे डर लग रहा है कि कहीं बेटी की शादी ना टूट जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। किसी भी हाल में ये शादी करानी होगी, हम जाकर किसी तांत्रिक से मिलकर आते हैं। सही कह रहे हो, चलो। महाकाली भद्रकाली कपालिनी विश्वरूपिणी चामुंडेश्वरी भूत प्रेत निवारिणी विशालाक्षी नमः। बैठ जा। तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। सही कहा, एक भूत हमारे घर में है। हाँ तंत्री जी, वो मरने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहती है। एकदम झूठ है। हाँ? ये भूत भी झूठ बोलते हैं क्या? मुझे क्या पता सर, मैं थोड़ी भूतों का प्रेसिडेंट हूँ। भूत का उद्देश्य कुछ और है। तो पता कीजिए ना कि उसका मास्टर प्लान क्या है। तद्यम तद्यम। ये कलश में अपनी शक्ल देख के तद्यम तद्यम क्या बोल रहे हैं? अरे आप चुप रहिए ना, हमेशा गलत सवाल पूछते हैं। मारना चाहती है। वो किसी को मारना चाहती है। ये क्या कह रहे हैं, किसे मारना चाहती है वो? ए! तो एयरपोर्ट चलने के लिए कहा था, यहाँ क्यों लेके आ गया? हाँ ये बंगला तो कब का बेच दिया मैंने? मैं तो एयरपोर्ट ही ले जा रहा था सर, यहाँ कैसे आ गया कुछ पता ही नहीं चला मुझे। ए, पागल हो गया क्या? हे अमित, अरे जब यहाँ तक आ गए हो तो घर के अंदर भी आ जाओ, आ जाओ। सर मुझे देर हो रही है, बाद में कभी मिलता हूँ सर। नहीं जा सकते हो। ये क्या बात हुई, इतना अकड़ के क्यों बात कर रहे हो? कहा ना नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? गाड़ी स्टार्ट कर। सर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है सर। नहीं होगी। हा
सर ये क्या, आप तो बिल्कुल औरतों की तरह चाल चल रहे हो। औरतों जैसी नहीं लड़की जैसी। तूने मुझे मारा। आप उसे इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे हो? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? मेरे पति ऐसे नहीं मार सकते, उनके अंदर जरूर वो भूत आ गई है। नरेश, मैंने इसे मार दिया। जय महाकाली, भद्रकाली कपालिनी। अरे ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे बाप रे। चाहती है, क्यों सबको मार रही है, क्या हुआ है तेरे साथ, बता बता। उस दिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए निकली थी, रास्ते में एक आदमी एक्सीडेंट में घायल हुए रोड पर पड़ा हुआ था। मैंने सोचा उसे हॉस्पिटल पहुंचा दूं, उसकी जान बच जाएगी। तभी मुझे एक कार आती हुई दिखाई दी और मैंने उससे मदद मांगी। और उस आदमी के साथ मैं भी कार में बैठ गई। कार हॉस्पिटल की तरफ जानी थी पर उन्होंने दूसरी तरफ घुमा ली और एक्सीडेंट हुए उस आदमी को कार से बाहर फेंक दिया और उन लोगों ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती इस बंगले में ले आए। एक घंटे में मेरी शादी है, मुझे छोड़ दो, ऐसा मैंने कहा, फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वो लोग इंसान नहीं थे, जानवर थे। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे पर मैं उनके हाथ नहीं आई, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा। तभी नरेश का भी फोन आ रहा था पर मैं तब तक अपने होश खो चुकी थी। मैं जिंदा थी फिर भी उन्होंने मुझे बंगले के बाहर दफना दिया। लड़कियों के साथ जो भी कोई ऐसे पेश आता है उन्हें इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं, उन्हें मर जाना चाहिए। अब तेरी आत्मा को शांति मिल गई है, अब तू चली जा। नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी बता। मुझे अभी एक और को मारना है। कौन है तेरा अगला शिकार बता।
तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? मतलब वो तो पुराने ओनर को मार रही थी ना, अब तो आप ही हो नए ओनर। बोलो। नहीं बोलूंगी। बोलो। बोल। नरेश को। नरेश, अरे तुम भला मुझे क्यों मारना चाहती हो? तुम अपने प्यार को क्यों मारना चाहती हो? नरेश तो तुम्हारी जान है ना। वो मेरी जान है, इसीलिए उसे साथ ले जाऊंगी, दोबारा जन्म लेंगे। अरे दोबारा जन्म लेकर शादी करने के लिए ये क्या कोई शूटिंग चल रही है? हा? तेरे मना करने पर भी मैं तुझे फिल्म दिखाया करता था। फिल्मों की बात कुछ अलग होती है, ये मेरी जिंदगी है। तुम्हें मार कर ही रहूंगी, ये बात बिल्कुल फिक्स है। अरे रुको, अरे इसने तो फिक्स कर दिया। सर आप ही कुछ कीजिए ना। अरे कुछ कीजिए। अरे छोड़ो मुझे, इसका रोना दो ना। मुझे बचाने वाला कोई है या नहीं? तुम्हें बचाने वाला सिर्फ एक ही है। देखो ये बजरंग बली का मंदिर है, यहाँ भूत प्रेत नहीं आते, तुम डरो मत। असंभव। आत्मा को रोकना असंभव है। आज रविवार है, अमावस्या है, आज मध्य रात्रि के समय उसकी शक्ति तिगुनी हो जाएगी। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा। ये 12 हफ्ते ऋषिकेश में, काशी विश्वेश्वर में, अमरनाथ में, द्वादशा लिंग में पूजा की गई पवित्र भस्म है। इसे 12 घंटों तक लगातार मंत्र जाप करने से इसमें शक्तियों का संचार हो जाएगा, तब इस भस्म से हम उस आत्मा का अंत कर सकते हैं। आत्मा का अंत होने तक तुम सबको मंदिर में ही रहना होगा। सिर्फ मंदिर ही क्या, आप जहां बोलेंगे मैं रह लूंगा। तुम्हें किसी भी हालत में इसे हाथ से निकालना नहीं है। अगर किसी कारण से ये हाथ से निकल गया और मेरी पूजा रुक गई तो तुम्हारा मरना तय है। ये तांत्रिक तो मरना तय है, मरना तय है ऐसे बोल रहा है जैसे गाना गा रहा हो। अब चुप। जब तक आपकी पूजा पूरी नहीं हो जाएगी मैं इसे यहीं रोक कर रखूंगा। अरे सुनिए, आपने इंदुमती को देखा? वो तुम्हारे नाम की अर्चना करवाने माताजी के मंदिर गई है। ठीक है। रुको रुको। हा? ये नारियल। हाँ। नरेश। ए इंदु, जल्दी अंदर आओ ना। नहीं, आज मैं अंदर नहीं आ सकती हूँ। तुम अंदर नहीं आ सकती और मैं बाहर नहीं जा सकता, ठीक है? आज मैं बाहर जा नहीं सकता, तुम ही अंदर आ जाओ ना। बेटा देखिए, सपना ने इंदु के शरीर में प्रवेश किया। अगर मैं बाहर होता तो ये पक्का मुझे मार ही डालती। मैं कौन हूँ ये तुम्हें अब अच्छी तरह से पता चल गया है नरेश, पर एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो इंदुमती नहीं बचेगी। मार दूंगी उसे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, बस एक बार मेरी बात मान लो। हाँ।
वो मेरी बात मानो, तुम बाहर मत जाओ। मेरी जान जा रही है सोचकर मैं रुक भी जाऊँ, पर मेरी वजह से किसी और की जान जाए ये मैं नहीं होने दे सकता सर। और ऐसे में जिंदा रहना ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुमको आना ही होगा नरेश। अरे रुको, मंदिर में आके कुश्ती कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे हे भगवान, ये अक्षय कुमार सुनील शेट्टी पता नहीं कैसे जम कर लेते हैं, भूत कहीं की टॉर्चर करिए मुझे। बलिदान को रोक लीजिए सर। क्या बलिदान है? मुझे भी देखना है, मैंने पहले मुझे भी देखनी है। अरे पागल, वो कोई कन्यादान अन्नदान नहीं है, बलिदान है बलिदान। चलो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। चलो चलो, जिसे जो बाइक मिले चढ़ जाओ। चला गया, उधर ही गया। चल जल्दी। अरे उधर गया, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, किसी को मत छोड़ना। चेक एवरीबॉडी। ओके सर, ठीक से चेक करो। ओके मैडम। सपना ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। सपना रुक जाओ। ये क्या है? हाँ? बाप रे, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना क्राइम है, लेकिन ये गाड़ी तो बिना ड्राइवर के आ रही है। आओ नरेश। सपना उसे मत मारो। इसे मारने की बात हो रही है तो नहीं? अरे नरेश रुक जाओ। अरे बचाओ उसे। एक मारने के लिए कह रहा है और एक बचाने के लिए कह रहा है। व्हाट हैपेंड? ये क्या है जी? क्या जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो पीछे करते हैं। अरे पैसे तू कब लौटा रहा है ये बता। सपना भगवान के लिए रुक जाओ। एए, अपने से उधार लेके ये महंगी मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, चल पकड़ते हैं इसको, छोड़ना नहीं है। चल सपना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, रुक जाओ। सपना ऐसे मत करो, सपना प्लीज, एक बेगुनाह इंसान को मारना पाप है। ये पाप नहीं है नरेश, प्यार है। तेरे प्यार की तो, अरे क्यों सता रही हो, छोड़ दो ना उसे। तुम्हारे हाथ में बंधा वो तावीज निकाल दो नरेश, वरना इंदुमती को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे कुछ मत करना। इंदु, इंदु नहीं, सपना, निकाल दो तावीज। आओ नरेश आओ। सपना मैं तो तुम्हारा प्यार हूं ना, ऐसा मत करो प्लीज। अब इनका क्या काम है? ये क्या नाटक चल रहा है रे तेरा? नहीं भाई नाटक नहीं हो रहा है। मुझसे कर्जा लेकर तू लड़की घुमा रहा है? वैसे भी ये तो भूत जैसी दिख रही है, इसके साथ तू कैसे भाग रहा है? भाग कर नहीं जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं भाई। मरने जा रहा है तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? 3 लाख मूल और ब्याज मिलाकर 5 लाख होता है। पैसे पैसे, ये लीजिए, ये 500 रुपया भी रख लीजिए, बाकी मैं आपको बाद में दे दूंगा। हा? क्या रे मुझसे मजाक कर रहा है? चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्या हुआ भाई? ये तो लोहार की तरह हथौड़ा मार रही है। अरे कहाँ आने को बोल रही हो तुम? क्या रोमांस करने के लिए मुझे बैंकॉक ले जाओगी? मरने बुला रही हो, मैं नहीं आऊंगा। सपना मेरे हाथों से काफी सारे बैंड बजना बाकी है। सपना अरे रुको रुको, वो लोग यही है। बेटी बेटी बेटी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। गोपाल तुम ठीक तो हो ना? ताकतवर हमेशा कमजोर को मारता है, यही सिस्टम है। बट फॉर अ चेंज, इस कमजोर के बीच में ये ताकतवर खड़ा है। गैरेज, पुलिस गैरेज, हमारे यहाँ हर तरह की रिपेयरिंग की जाती है। हमारे घर में एसी रिपेयर के लिए है, करेंगे क्या? एसी रिपेयर के लिए है, करेंगे क्या? हमारे यहाँ एसी या फ्रिज रिपेयर नहीं होते मैडम, इंसानों को रिपेयर करते हैं हम। क्यों रे हीरो, एक मर्डर करके बच गया तो तुझे क्या लगा कि हम तुझे छोड़ देंगे? खबरदार, हड्डी पसली एक कर देंगे, समझा? और तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? भूत बनने का नाटक कर रही हो क्या? मेकअप ज्यादा हो गया, नौसिखिया लगती है। ये गर्दन तुम इस तरह से ऐसे क्यों हिला रही हो? अकड़ गई है क्या? सर सर सर, उसे कुछ मत बोलिए, अगर इसको गुस्सा आ गया तो आपको मार देंगे। गुस्सा आ जाएगा तो क्या ये मुझे मारेगी? हैं? अरेस्ट करो जी, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। अरे पड़ी आई अरेस्ट करने वाली, तो तुझे ही रिपेयर करना पड़ेगा मुझे।
तुम मेरे लिए मेरी जान से भी प्यारे हो नरेश, तुम्हें मरना पड़ेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तुम्हारे प्यार का क्या करूं? एक बार कहती हो कि मारूंगी और बाद में कहती हो बुरा भी लग रहा है, ये क्या कंफ्यूजन है? ये क्या, तुम वायर्स क्यों खींच रही हो? मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर दूंगा। सपना मेरी बात मानो, मुझे करंट से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पकड़ो नरेश। अरे पकड़ने के लिए क्या फ्लावर है, पावर है, मैं नहीं पकड़ूंगा। अगर मैं तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें मार दूंगी तो वो मौत बहुत खतरनाक होगी। अच्छा होगा तुम खुद इसे पकड़ कर मौत को गले लगा लो। पकड़ो इसे। कमाल है, शॉक क्यों नहीं लगा, कहीं पावर तो नहीं चला गया? हाय! पेट्रोल! सपना! भगवान पे जैसे दूध चढ़ाते हैं वैसे तुमने मुझ पे पेट्रोल डाल दिया। नहीं नहीं सपना, मैं तुम्हारे आज उठता हूँ, प्लीज मुझे मत जलाना, मेरे पूरे बदन पे दाग आ जाएंगे। मेरी बात मान जाओ सपना। अरे कुछ करो वरना मार देगी उसे। वाटर गायब हो गया, वाटर गायब हो गया, इट्स अ वाटर मिराकल। कोई मिराकल नहीं है, इसने कपड़ा निकाल दिया। देखा भाई। ए, इसे भड़काओ मत यार, नहीं तो पता नहीं क्या कर डालेगी। अब इस मौत को कोई नहीं रोक सकता। अरे बाप रे, तांत्रिक के आने से पहले ही इसे मार देगी। अब अन्याय किया उनको तो तुमने मार डाला, लेकिन तुम नरेश को क्यों मारना चाहती हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ सपना। प्रेम करने वाले किसी की जान नहीं लेते, फिर तुम ऐसा पाप क्यों कर रही हो सपना? मैं ना किसी रिलेशन के इसने एक बच्चे की जान बचाई, इसे मत मारो प्लीज। हम लोग अनाथ थे सपना, इसी के घर में पले बड़े, हमारे और तुम्हारे ऊपर इसके बहुत एहसान है, इसे मत मारो सपना। हम लोगों का इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी हम सब चाहते हैं कि इसे कुछ ना हो। हम जानते हैं कि तुम इसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन इसे मारना गलत है।
जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। बहुत अच्छे हो नरेश, इसलिए इतने लोग तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहते, और उसी अच्छाई की वजह से शायद मैं भी तुमसे दूर नहीं रह पा रही। तुम्हारे साथ घर बसाने के पागलपन की वजह से मैंने तुम्हें मारना चाहा, I'm sorry नरेश, सॉरी, मैं जा रही हूँ। सपना, मैं जा रही हूँ नरेश। सब ठीक हो गया। समझ गए। मैं अपनी बेटी की शादी बिना किसी टेंशन के कर सकता हूँ। चलो चलकर शादी की तैयारियां करते हैं। चलो हाँ चलिए। कैसी हैं आप? नमस्ते। ठीक है ना? नमस्ते साहब जी। तुम अभी तक यहीं पे काम कर रही? छोड़ नहीं साहब जी, यहीं काम कर रही हूँ। अरे वाह, अपनी बेटी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक बात मैं भी बोलूं, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ नरेश। नरेश, ये तुम नरेश क्यों कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अब तक डर नहीं गया? थैंक्स नरेश। फिर से नरेश, अभी मेरे साथ इंदुमती है या भूतमती है? कहीं सपना इंदु में वापस तो नहीं आ गई ना?